हेलो वर्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लाइफस्टाइल विद शमा। लाइफस्टाइल विद शमा में आप सबका वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सब खुश होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी खुश हूं, आबाद हूं अपने घर में। आप अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहें जहाँ भी रहें। तो व्यूवर्स, आज की जो रेसिपी है इसमें मैं बनाऊंगी आप लोगों के सामने बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए सबसे मैंने पहले जो घी डाल के चूल्हे पे रख दिया था और उसमें मैंने अभी अभी प्याज ऐड किया है। प्याज को मैंने करना है लाइट ब्राउन। ये जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो रहा है अभी जो है। इससे पहले भी मैं आप लोगों के साथ इसकी बिरयानी की काफ़ी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए आप जानते हैं कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ और आज भी मैं वैसे ही बनाऊंगी। ये मैंने प्याज जो है इसको लाइट ब्राउन करना है और इसके साथ साथ ही जैसे ही हल्का लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैंने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद जो है इसे साथ के साथ ही जो मैंने है सब्ज़ मिर्च काट के रखी हुई है वो ऐड कर देनी है। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल मैंने हल्का सा ब्राउन करना है ताकि जो हमारे चावल हैं इसमें डालने के बाद वाइट वाइट रहें और अच्छे और खुश जायका लगे। अब इनको मैंने अच्छे तरीके से हिलाना है, इनको भूनना है, अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ इन्हें। थोड़ी देर भूनने के बाद अब जो है इसमें मैं बाकी मसाले ऐड करूंगी। व्यूवर्स, याद रहे कि मैंने अभी इसमें पानी जो है बिल्कुल भी तड़के के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। उनको प्याज को और इसमें टमाटर सब्ज़ मिर्च डालने के बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से भूनना है और भूनने के बाद इसमें मैं बाकी मसाले ऐड करने लगी हूँ। ये मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। अभी सबसे पहले जो है इसमें नमक डालूंगी, एक चम्मच जो है वो मैंने नमक का लिया है। हाफ चम्मच जो है वो मैं इसमें कुटल मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा इसमें हाफ चम्मच ही लगा ले मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी, साबुत ज़ीरा। और ये इसमें मैंने हाफ चम्मच हल्दी डाली है। और ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्च इसमें ऐड की है और ये गरम मसाला। अच्छे तरीके से मसाला डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर मैंने और भूनना है, अच्छे तरीके से भूनते रहना है। ऐसा मेरा जो है ग्रेवी टाइप मसाला जो है रेडी हो जाएगा चावलों के लिए। बिरयानी बनाने के लिए ऐसा मसाला जब मेरा तैयार हो जाएगा तो आंच हल्की करके उसको ऐसे ही मैंने भूनती रहना है। और साथ में ये मैंने लिया है चिकन। चिकन जो है वो मैंने पहले ही बॉयल करके रखा हुआ है और इसको हाथ की मदद से अब मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब इसको मैं छोटे छोटे पीस में कर रही हूँ। हमारे घर में जो बिरयानी है वो बिल्कुल जो है बॉयल करके और हल्की हल्की उसमें जो चिकन की बोटी है वो नज़र आए ऐसे पसंद की जाती है, इसलिए हम चिकन को पहले बॉयल कर लेते हैं और इसको छोटे छोटे पीसेस में बाद में हाथ की मदद से कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से जो है बिरयानी में मिक्स हो जाए। इसको हाथ की मदद से मैंने छोटे छोटे पीस में कर लेना है। व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की और ख़स्ता जो है रेसिपी तैयार होती है ऐसे मेरे तरीके से बिरयानी। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और घर वालों को पसंद आने वाली जो है बिरयानी वो बनती है ऐसे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी अच्छी लगेगी और आप लोग ऐसे बनाकर ज़रूर ट्राई करेंगे।
चिकन बॉयल करके रखा हुआ था और बिल्कुल ठंडा था, इसलिए मैंने इसको हाथ की मदद से ही छोटा छोटा कर लिया है। आप चाहें तो गरम गरम जो चिकन है इसे बॉयल करने के बाद चम्मच या कांटे की मदद से भी कर सकते हैं। ये मैंने छोटे छोटे पीस करने के बाद उस मसाले में ऐड कर लिए हैं। अब हल्का सा मैंने इनको भूनना है ताकि जो मसाला है वो इनमें मिक्स हो जाए। ये मैंने इमली जो है वो भिगो के रखी हुई थी, इमली को अच्छी तरह मैंने हाथ की मदद से ऐसे मिक्स करना है और इसकी गुठलियाँ, ताकि इसकी गुठलियाँ जो हैं वो अलहदा हो जाएं। अब इनका जो पानी है वो मैंने इमली का छान लेना है, पानी पानी अलग कर लेना है और इमली की गुठलियाँ जो हैं अलग कर लेते हैं कर लेनी है। डाल तो ऐसे भी लेते हैं लेकिन हमारे घर में जो है ऐसे गुठलियों समेत इमली चावलों में डाली हुई पसंद नहीं की जाती, इसलिए मैं जो गुठलियाँ हैं वो निकाल देती होती हूँ और गुठलियों से निकला हुआ पानी जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। अब ये जो इमली का पानी निकला है ज़रा गौर करिएगा, इसमें मैंने ये जो जिसमें चिकन बॉयल किया था वो पानी रखा हुआ है, उसको ज़ाया नहीं किया है। जितने मैंने चावल लिए हैं उसके डबल पानी डालना है, हाफ़ पानी तकरीबन ये मिक्स हो के मेरा ये वाला हो गया है और उसके बाद जो है हाफ़ मैंने फ्रेश पानी डाल दिया है, यानी एक बाउल जो छोटा सा जो है वो मैंने चावलों का लिया था और इसमें दो बाउल मैंने पानी के डाल दिए हैं। चाइना साल्ट मैंने थोड़ा सा ऐड करना है। अब इसे दरमियानी आंच पे पकने देना है और इसके ऊपर जो है मैंने अब ढक्कन दे देना है ताकि पानी जो मैंने इसमें ऐड किया है वो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। पानी पकने तक हमने वेट करना है। जब हमारी पानी पकने लग जाएगा हमने ढकना उतारना है और इसमें चावल जो हैं वो मैंने डालने हैं। चावलों में से मैंने धो के पानी निकाल लिया है और अब जो चावल हैं वो मैं इसमें उबलते हुए पानी में ऐड करूंगी। अच्छे तरीके से चावल है हमने अलग बर्तन से निकाल के उबलते हुए पानी में डाल देने हैं। ऐसे चावल मैंने सभी डाल लिए हैं और ये जो पानी है आप इसको हल्की आंच पे पकने देना है और इतनी देर तक पकाना है जितनी देर चावल जो हैं वो पानी अपने अंदर जज़्ब नहीं कर लेते हैं और पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। उतनी देर तक हमने इसे पकाते रहना। पानी जो है वो हमारा अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और चावल हमारे इस पानी में फूल चुके हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इनको थोड़ी देर तक दम पे लगाऊंगी। ये देखें आप लोगों के सामने जो है चावलों ने अच्छे तरीके से पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया है और हल्का हल्का पानी इसमें है और अब इसको अच्छे तरीके से हिलाना है एक दफ़ा मैंने और बराबर की इसकी तय करके और इसको मैंने दम पर लगा देना है। ये मैंने इसका ढकना ऊपर दे दिया है, इसकी भाफ बंद कर दी है और आंच को मैंने बिल्कुल हल्की लो आंच पे कर देना है और ऐसे ही 3 मिनट मैंने ऊपर पड़ी रहने देना है और मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो व्यूवर्स इसके साथ साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त।